नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भवन में मंदिर अवश्य ही होना चाहिए। यदि मंदिर बनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है तो छोटा सा पूजा स्थल अवश्य ही बना लेना चाहिए, लेकिन इसे बनाते समय इसकी दिशा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल सदैव ही ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान कोण में बना हुआ पूजा स्थल अधिक लाभदायी और मंगलकारी होता है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूजा घर से संबंधित वास्तुशास्त्र में बताई गई है, जैसे पूजा स्थल भी देवी देवताओं की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, साथ ही कीन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए और पूजा घर में कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। दोस्तों, पूजा घर को कभी भी रसोई घर में नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे शास्त्रीय कारण यह है कि रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे मिर्च मसाला, नमक इत्यादि प्रकार के मसाले मंगल ग्रह के प्रतीक वस्तुएं हैं। मंगल का वास भी रसोई घर में होता है। हमें पूजा करने के लिए हमारा मन शांत रखना होता है। शांत मन से की हुई पूजा ही फल प्रदान करती है, इसलिए रसोई घर में पूजा घर होने से हमारा मन मंगल के उग्र प्रभा में आता है, जिस कारण से हमारा पूजा में पूरी तरह से मन नहीं लगता है। इससे बचने के लिए आप धूप दीप और घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे रसोई घर में व्याप्त उग्रता कम हो जाती है और हमारा पूजा में मन लगता है। तीसरी बात, पूजा घर में मूर्ति की स्थापना ऐसे की जानी चाहिए कि व्यक्ति का मुख पूजा करते समय ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। चौथी बात, पूजा घर में सदैव ही साफ सुथरी मूर्ति या तस्वीरें रखनी चाहिए। मूर्तियों को सदैव धातु पत्थर अथवा मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, परंतु यह अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां अपने पूजा घर में भूल से भी न रखें। दोस्तों, घरों में मूर्तियों की प्रकृति खड़े रहने की अपेक्षा बैठी हुई होनी चाहिए, अर्थात किसी भी देवी देवता की खड़ी हुई मूर्ति नहीं लानी चाहिए। सभी देवी देवता विराजमान अवस्था में होने चाहिए। छठी बात, देवी देवताओं की मूर्तियों से जो भी उतरे हुए सूखे फूल माला और हवा धूप आदि की राख होती है और सफाई से निकला हुआ उसे जल नारियल के टुकड़े पुराने कपड़े इत्यादि को अनावश्यक समझकर फेंकने के बजाय तेज प्रवाहित होते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की पूजा एक स्थान में स्थिर होकर एक आसन में बैठकर ही करनी चाहिए। कोई जमीन पर बैठकर पूजा न करें, गृहस्थ को उनके आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में हवन कुंड आग्नेय कोण में करना चाहिए, लेकिन हवन करते समय अपना मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। नवी बात, प्रत्येक पूजन कार्य में पंचदेव की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। यह पंचदेव सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु हैं। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव काठी के सूर्या और इंद्र को इस प्रकार प्रतिष्ठित करना चाहिए कि आराधना करते समय मनुष्य का मुख पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा उत्तर दिशा वाले दीवार पर कभी लगानी नहीं चाहिए, अन्यथा वे दक्षिण अभिमुख हो जाएंगे। कुबेर का स्थान उत्तर दिशा है, लक्ष्मी उत्तर पूर्व दिशा में रहती है, सरस्वती पश्चिम दिशा में वास करती है, अतः देवी लक्ष्मी की पूजा सदैव ही पूर्व दिशा अथवा पश्चिम दिशा की तरफ ही मुख करके करनी चाहिए। गणेश जी की स्थापना दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, इससे उनकी दृष्टि उत्तर की ओर रहेगी। गणेश जी की स्थापना पश्चिम दिशा में कभी नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो अंक, दो सूर्य, तीन दुर्गा तथा दो गोमती चक्र की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति के अलावा भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहती है और वाद विवाद कम होते हैं। ध्यान रहे, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं और शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति को अलग अलग रखना चाहिए। घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए।
संकट मोचन। हनुमान जी हमारे संरक्षक होते हैं और हमारे सभी कष्टों को हरने वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए जिसमें उनके साथ प्रभु श्री राम जी अवश्य हो। राम जी के अलावा यदि माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ हो तो और भी अच्छा होता है। पूजा घर में कभी भी माता काली, भैरव जी और शनिदेव, इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों मूर्तियों को अत्यंत उग्र माना जाता है। इसे सदैव ही यूरो ऊर्जा निकलती रहती है जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हो सके तो इन मूर्तियों को अपने पूजा घर में भूल से भी न रखें, क्योंकि इन मूर्तियों की पूजा करने की विधि बहुत ही कठिन है। इन मूर्तियों की पूजा करने के लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और साधारण मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इन मूर्तियों को घर में रखना वर्जित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे होते हैं, इसलिए पूजा घर में सदैव ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा रानी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। इसी के साथ ही लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, इनके एक साथ पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे पूजा घर में इन मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।